इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला द्वारा विधानसभा क्षेत्र एक के श्रीराम भक्तों को अयोध्या की यात्रा कराने का सिलसिला जारी है। शनिवार को एक बार फिर संजय शुक्ला ने 600 यात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। वहीं अब 21 जून से श्रद्धालुओं को मथुरा की यात्रा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र एक के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला द्वारा एक साल पहले श्रीराम भक्तों को अयोध्या की यात्रा का सिलसिला शुरू किया था, जो अब निरंतर जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर विधायक संजय शुक्ला ने शनिवार को विधानसभा एक के वार्ड क्रमांक 4 के 600 श्रद्धालुओं के समूह को इंदौर रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना किया। मीडिया से चर्चा करते हुए संजय शुक्ला ने बताया कि पिछले 1.5 साल से अयोध्या की ये 14वीं यात्रा है और 21 जून को श्रद्धालुओं को मथुरा की यात्रा भी कराई जाएगी। देखिए, विधानसभा एक की लगातार आपने देखा 1.5 साल से लगातार हमारी यात्रा निकल रही है। ये 14वीं यात्रा है हमारी, जो वार्ड क्रमांक 4 से यात्रा निकल रही है। लगातार हमारी अयोध्या यात्रा चल रही है। इसमें हमारी जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग और युवा भी साथ में आते हैं, क्योंकि जो हमारे युवा लोगों को मालूम पड़ना चाहिए धर्म की राजनीति क्या होती है, धर्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही अपना ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान बढ़ने के लिए हम हमारी माताएं, बहनों को सबको सामूहिक रूप से लेके जाते हैं, सबको ऊपर वार्ड वाइज लेके जा रहे हैं लगातार। और ये हमारा 14 वार्ड है और अब 2 वार्ड और बचे हैं। 2 वार्ड के बाद हमारे अयोध्या के बाद 21 जून से मथुरा यात्रा भी चालू होने वाली है। साथ में मथुरा यात्रा के साथ में हमारी जो माताएं बहने उनको 600 लोग वो भी लेके जाएंगे। जो लगातार यात्रा हमारी चलती रहेगी, क्योंकि भगवान धर्म का काम है तो धर्म का हम सब मिल करते रहते हैं। और बाकी लोग धर्म में सिर्फ राजनीति करते हैं, धर्म में सिर्फ सरकार बनाते हैं और उसके अलावा कोई काम नहीं करते। हम तो धर्म माता बहनों की सेवा करते हैं, वो साथ में जाते हैं, साथ में लेके जाते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, वो सब व्यवस्था पूरी की जाती है। अच्छा, अनुष्ठान तो लगातार आप करवाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान और यात्राएं भी लगातार ले रहा है, कितना बदलाव देखते हैं आप इस आज की यात्रा की यदि बात करें तो? देखिए, हम तो लगातार बड़े रुद्राभिषेक हो या अक्षोभ मिश्रा जी कथा हो या जया किशोरी कथा हो या बागेश्वर महाराज की कथा, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विधानसभा एक के सभी धर्म प्रेमियों को कथा का आनंद लें और पूरा यहीं कहीं जाना नहीं पड़े। नहीं तो लोगों को सीहोर जाना पड़ता है या बाहर जहाँ कथा होती है वहाँ जाना पड़ता है। हम चाहते हैं हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग, क्योंकि हमारा मजदूर क्षेत्र है, इसलिए हम चाहते हैं हमारे विधानसभा के क्षेत्र में यही धार्मिक काम हो। देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी, देखिए जो आदिवासी के नाम पे पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर बोला हम राष्ट्रपति आदिवासी बना रहे हैं, आदिवासी राज्यपाल बना रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, परंतु आदिवासी दो की हत्या हुई उसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं करा। सरकार सिर्फ आदिवासी नाम पे सरकार बनाना चाहती है और आदिवासी का उपयोग करना चाहती है, परंतु कांग्रेस पार्टी वाला आदिवासी हो या किसान हो या युवा हो, सभी लोग साथ मिलकर काम करती है। और उसका परिणाम था कि 15 साल की सरकार कमलनाथ जी 15 महीने वो काम कर दिखाया। भला आदिवासी हो या कन्या योजना हो या लाडली योजना हो या अपने बिजली की बात हो या किसान कर्जे की बात हो या मतलब अपने विधवा पेंशन की बात हो, हर काम के लिए कमलनाथ जी काम कर दिखाया, परंतु ये डर के मारे इन्हें हमें सरकार गिरा दी। पर 2023 के अंदर 7 महीने बाद हमारी सरकार बन रही है और 150 सीट कांग्रेस की आएगी। तो कांग्रेस जो काम कर रही, कांग्रेस ने भी घोषणा करी है कि जो लाडली बहन योजना है हमारी उसको 1500 रुपये देंगे और जो हमारी विधवा पेंशन हम पहले हमारी घोषणा थी 1000 रुपये हम देंगे और उसके पहले हमारी सरकार गिरा दी। ये सी हमारी नकल कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। जनता पहचान रही, भले किसान को, किसान बिजली से परेशान है, खाद से परेशान है, पानी से परेशान है और ओला गिर रहा है, उसको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। हर चीज़ से परेशान होने के बावजूद किसान घर बैठा हुआ है, वो सिर्फ अब 5 साल में एक बार मौका मिलता है, जब ही जॉब देगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिराएगा तो कांग्रेस सरकार बनेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।